श्वेता तिवारी अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी रहती हैं। उन्होंने हाल ही में अपने दोनों अनसक्सेसफुल मैरिजेस पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि कैसे दूसरी कास्ट में शादी करने के कारण उनकी माँ को ताने मारे जाते थे, उनकी शादी को पहले ही जज किया जाने लगा और वो अपनी बेटी पलक की वजह से उलझे हुए रिश्ते में जुड़ी रही। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जिन जिन लोगों को छोड़ा वो आज पछता रहे हैं। श्वेता तिवारी ने गलाता इंडिया से बातचीत करते हुए कहा, जब आपको पहली बार धोखा मिलता है तो ये आपको बहुत परेशान करता है, आप रोते हैं, आपको लगता है भगवान मेरे साथ क्यों नहीं है। आप इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, आप इसे ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। दूसरी बार जब ऐसा होता है तो आपको एहसास होता है कि ये कभी भी दुख देना बंद नहीं करेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब तीसरी बार आपको धोखा मिलता है तो ये आपको दुख देना बंद कर देता है, इसका आप पर कोई भी असर नहीं पड़ता। श्वेता ने आगे बताया कि जब मुझे कोई धोखा देता है, जब मुझे दुख पहुंचता है तो मैं इससे शिकायत नहीं करती, मैं बस खुद को अलग कर लेती हूँ। मुझे दुख पहुंचाना उनके व्यक्तित्व में है और अब मेरे व्यक्तित्व में है कि मैं दुखी ना हूँ। मैं अब उन्हें पावर नहीं देती और अचानक उन्हें एहसास होता है, ओ वो चली गई। अब तक मैंने देखा है कि जिन लोगों की जिंदगी मैंने छोड़ दी है, मैं चली गई हूँ, वो लोग पछता रही हैं। जब श्वेता से पूछा गया कि उन्हें इस उलझे रिश्ते से बाहर आने में इतना समय क्यों लगा तो उन्होंने जवाब में कहा, मेरे पूरे परिवार में किसी ने लव मैरिज नहीं की थी, मैंने की। हमारे परिवार में जातिगत समस्याएं भी थी, फिर भी मैंने इंटरकास्ट मैरिज की। लोगों ने पहले ही मेरी माँ को ताने मारना शुरू कर दिया और मेरी शादी को भी जज किया। आपको मालूम हो कि श्वेता तिवारी ने राजा चौधरी से 9 साल बाद तलाक लिया था। श्वेता ने कहा कि अगर उन्होंने तलाक की अर्जी दी होती तो ये पूरी तरह से अलग बात होती। वो कहती है कि उस समय ऐसा नहीं था कि मैं आर्थिक रूप से आजाद नहीं थी, बल्कि एक इमोशनल मैटर था। मैं अपनी बेटी के बड़े होने पर पिता ना होने के कारण काफी परेशान थी। बाद में मुझे एहसास हुआ कि आपका परिवार तभी खुशहाल हो सकता है जब आप मानसिक रूप से खुश हो। अपने बच्चों के लिए डिसऑर्गेनाइज्ड फैमिली में रहना अच्छी परवरिश नहीं है। अगर दो लोग एक साथ नहीं रह सकते तो अलग हो जाना बेहतर है। श्वेता तिवारी ने पहले राजा चौधरी से शादी की थी। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है पलक तिवारी। इनका रिश्ता खत्म होने के बाद श्वेता ने अभिनव कोहली से शादी की। दोनों ने इससे पहले 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। इनका एक बेटा है जिसका नाम रियांश है। श्वेता ने अभिनव पर घरेलू हिंसा का आरोप भी लगाया था। वेल, श्वेता तिवारी हमेशा अपनी बात को बड़ी ही बेबाकी से रखना अच्छे से जानती है। ऐसे में श्वेता तिवारी काफी लोगों के लिए रोल मॉडल भी हैं। वेल, श्वेता की वर्क फ्रंट की बात करें तो रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन में उनको देखा जाएगा। इस फिल्म में अजय देवगन, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, करीना कपूर, अक्षय कुमार और रणवीर सिंह जैसे धुरंधर सितारे भी नजर आएंगे।